वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाह रही थी, हम जो ड्रेस पहनते हैं ना, इस लिपस्टिक जो हम लगाते हैं, तो कौन सा कलर है जो हर सूट से मैच हो जाए? किस चीज का कलर? लिपस्टिक का। लिपस्टिक का ना कलर जी, मैं बताऊँ? बताएं। लाल, एक डीप मरून है वो, और एक है मैं आपको बताऊं, मेरे पास मेबलिन के एक सेडक्ट्रेस है वो, और बर्न स्पाइस है मैक की, अगर लिक्विड लिपस्टिक, कोई भी आपका कॉम्प्लेक्शन हो, कोई भी कॉम्प्लेक्शन हो, बड़ा अच्छा लगता है। अब आप भी बताएं जरा, कौन से ऐसे लिपस्टिक का कलर जो कि हर सूट के साथ अच्छा लगे? आई थिंक के हर सूट के साथ, या जनरली अगर आपको अपने ऊपर एक कलर चूज करना है कि ये कलर मेरे ऊपर हमेशा अच्छा लगेगा, जो आपका लिप्स का बिल्कुल नेचुरल बिल्कुल बीच में जो कलर है ना, वो आप लें, यू पुट इट ऑन योर लिप्स और आप एक हल्की सी ग्लॉस कर लें, हमेशा और हर सूट के साथ अच्छा लगेगा, क्योंकि इट विल कॉम्प्लीमेंट योर ओन फेस, इट विल कॉम्प्लीमेंट योर ओन फीचर्स, वो आपके अपना yes. वो स्टेपल हो जाएगी। अच्छा, आप क्या रिकमेंड करेंगी अंबर जी, कौन से लिपस्टिक का कलर हर सूट के साथ अच्छा लगेगा? मैं समझती हूँ कि आप हर कलर के साथ खेल सकते हैं, अगर उसकी आउट दो तीन लिपस्टिक्स को मिक्स करें, ठीक है ना। अब अगर डार्क ब्राउन ले रहे हैं, मरूनिश जैसा आपने बताया, अब हर वक्त मरून तो नहीं दिल चाह रहा ना, कभी दिल चाह रहा है कि उसके अंदर पीच कलर है, उसमें एम्ब्रॉयडरी पीच है, तो मरून आपने लिपस्टिक लगाई, फिर उसके बाद आप ले लें पीच वाला, पीच के अंदर डालें और उस पीच को भी ऊपर तक ब्लेंड करें, मतलब एक कोटिंग कर दें मरून की, तो एक नया शेड बनेगा। बहुत डायरेक्ट पीच लगाएंगे, बहुत डल लगेगा, पेल लगेगा, मजा नहीं आएगा, सबके साथ अच्छा लगेगा, सबके साथ। मैं हमेशा कोई एक सिंगल लिपस्टिक आज तक नहीं लगाई, ना अपने लिए वो कर, ब्लेंड करती हूँ। जब आउटर थोड़ा सा डार्क होता है, आउटलाइन दिखती नहीं है, लेकिन उसको फिर मैं कलर्स के साथ खेलें, ब्लेंड करें, पीच कर लें, बाज जो न्यूड कलर भी तुमने लगाया, कितना प्यारा लग रहा है। मैं बता रही हूँ आपको, ये दो लिपस्टिक ये हर सूट के साथ अच्छी लगेंगी। अच्छा ज़ैनब, हम इनकी आपने ब्लश हम इनको लगा रहे हैं, क्रीम ब्लश लगा रहे हैं इनको? मैंने एक क्रीम ब्लश लेके, ठीक है, पहले एक ब्रश से लेके उसको मैंने उधर देखे, मैंने यहाँ पे लगा लिया, और उसके बाद मैंने वही ब्यूटी ब्लेंडर लेके आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट आउट। मैं ना डिफरेंट मेकअप टेक्निक्स ट्राई आउट करती रहती हूँ टू सी के क्या अच्छा लगेगा, पहले ब्लश कर लूँ, पहले ब्रॉन्जर कर लूँ, पहले कंसीलर कर लूँ। तो मैंने एक वन लेयर ऑफ वेरी नेचुरल कंसीलर पहले किया, उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्रीम ब्लश, बिकॉज क्या होता है कि आप एक दफ़ा क्रीम ब्लश लगा लेना तो देर इज़ ऑलरेडी सो मच कलर कि उसमें फिर बाकी जो कलर आपको ऐड करना है वो कम है। वरना पहले मैं ये भी कर चुकी हूँ कि पहले कॉन्टोर ज़्यादा कर लूँ उसके बाद मैं करूँ, लेकिन आई ट्राई कि मैं ऐसी टेक्निक्स सीखूं और ट्राई करूं जिसमें कम से कम मेकअप यूज करने की जरूरत। अच्छा अम्मा जी, आपके जहन में क्या है कि आप जो तैयार करी हैं, आप क्या जहन में थीम है, क्या इस कैसी रखेंगे लिप्स? बेसिकली जो हम मेकअप करते हैं ना, कलर्स, जो कलर जोड़े का होता है मैं उसके साथ जाऊंगी। अच्छा, आपने भी इनके चेहरे पे लिक्विड लगाए है, बेस लगाई है? यस, मैंने क्या लिया, मुसर्रत मिसबाह का, पहले तो मैंने F17 से, क्योंकि इनके यहाँ ब्लैक है तो बजाय वो मेरे पास ये ओरिएंटली था, मैंने F17 से किया, ठीक है। फिर मैंने क्रीम शेड है, क्रीम मुसर्रत मिसबाह का क्रीम शेड, वो मैंने लिया है, ठीक है। उसको बस मैं ये ब्लेंड कर रही हूँ और फिर मैं बस पाउडर से फिर मेकअप स्टार्ट कर दूंगी, बस ठीक। लेकिन है। मैं इसी अर्दी टोन का और लिपस्टिक आपके ज़हन में क्या है? डल, मैं इसके साथ मैं डल भी दिखाऊंगी कि डल को भी किस तरह से न्यूड कलर को बहुत प्यारा कर सकते हैं, मरून के साथ डल को कर, मरून के साथ डल, ठीक है। अच्छा, पहले मैंने क्रीम ब्लश यूज़ किया था, AQ कॉस्मेटिक्स का रोज़, अब मैं यूज़ कर रही हूँ रिवाज की, दिस इज़ अ लिपस्टिक जो मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, हाँ पहले भी, कॉन्टूर के तौर पे, बट दिस वर्क्स सो गुड एज अ कॉन्टूर और ब्रॉन्जर, दिस इज़ शेड। अच्छा गर्ल्स, वी हैव 7 मिनट्स, हाँ 5 मिनट्स इनफैक्ट, हम इसमें जल्दी इनका मेकअप खत्म करना है। दिस इज़ शेड 20 और इससे मैं इनका जितने भी मुझे पॉइंट्स को कॉन्टोर करना है वहाँ पे अभी मैं बस एक लाइन बना लूंगी एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट आउट। देखो, एंड नो शार्प लाइंस, रिमेंबर कि आप जो भी चीज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर ब्लेंडिंग होना जरूरी है। अभी देखने में इट डजंट लुक गुड बट इट विल लुक गुड। पांच मिनट देने, पांच मिनट में खत्म करना है? जी जी, 5 मिनट में आपको लुक तैयार करनी है पूरी। हाँ देखो, चले जी, बेस इनकी जो है यहाँ पे सेट हो गई है, हो गई। अब मैं इनको पाउडर दे रही हूँ, ये भी कर सकते हैं, देखो मैं इसे जा मुझके लाई हूँ कि ये स्वीट टच का ये भी है, लूज पाउडर भी कर सकते हैं, लेकिन ताकि लोकल उसी से हम कर रहे हैं।
ठीक है, जो यहाँ अवेलेबल हो, मैं बाहर वाले नहीं कर रही। ठीक है, हल्का सा मैंने ये लिया है, ये है नंबर W, अमूमन W करते हैं उसके लिए। अम्मा जी, टाइम टाइम टाइम, बताना नहीं है कहते। नहीं नहीं, साथ बता, लेकिन साथ बता दे, साथ करती भी जाए, साथ करे और बोलते भी जाए। हाँ यू, अच्छा बताने की जगह भी टाइम लिया। अब मैंने कॉन्टोर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। और बाकी अगर आपको कुछ लग रहा है कि अभी सही से ब्लेंड आउट नहीं हुआ, वो पाउडर से भी काफी चीजें ब्लेंड हो जाती हैं। काफी लोग क्रीम प्रोडक्ट्स और उसके ऊपर पाउडर प्रोडक्ट्स में नहीं जाते। आपको हमेशा 2-3 चीजें टेस्ट आउट करके देखना चाहिए आपकी स्किन पे क्या सूट करता है। लेकिन इन माय एक्सपीरियंस आप ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट चीजें। और क्रीम प्रोडक्ट से क्या होता है कि आपकी नीचे देखें, हर फेस काइंड ऑफ ऑलरेडी लुक्स डन, तो इसके ऊपर आप प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम मैं सोचूं इनकी तो आपको भी क्या करेंगे, मस्कारा जल्दी वो 2 सेकंड में हो जाएगा, 2 सेकंड में हो जाएगा। चल अब आई एम गोइंग टू डू पाउडर। अच्छा, इनके पाउडर इनका हो गया हुआ है, और ज़ैनब का भी अब जो लूज पाउडर है उन्होंने, अब जो ट्रांसलूसेंट पाउडर जिसको कहते हैं, वो ज़ैनब ने उठा लिया है, और अब वो ज़ैनब इनके चेहरे पे करने वाली हैं ताकि इनका जो मेकअप है वो सेट हो जाए। ऊपर देखो। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं, अक्सर मॉडल्स वगैरह का मेकअप देखते हैं तो हमें इनको देख के लग रहा होता है कि भाई उनकी तो चेहरे पे कोई लाइन ही नहीं आई, सब ठीक था, ये वो, ऐसा नहीं होता। कभी आप जाके देखें, जो फोटोशॉप उनकी पिक्चर्स हो रही होती हैं, आप कभी यूट्यूब पे सर्च कर लें कि वो तो कैसे प्रॉपर मेकअप भी जो है वो ठीक करते हैं फोटोशॉप से। सो ऐसी नहीं आप बनी हुई, हाँ, किसी का कोई स्किन साफ नहीं होती। तो ये मत समझा करें कि जो मॉडल्स का जैसे मेकअप होगा आपका वैसे होगा। मॉडल्स को भी आप बहुत करीब से देखें तो उनका मेकअप इतना अच्छा नहीं होता, और अब तो आजकल इतने फिल्टर्स इस्तेमाल होते हैं। देखिए, कंटूर जब भी होता है ना, ये जब आप लोग करते हैं ना, ये अब सिखाऊं जल्दी से बता दीजिए, और ये यहाँ जरूर क्या करें, जिसकी डबल चिन हो तो ये इसमें यहाँ ब्लेंड करें, और बाद में इस पे हल्का सा पाउडर ये ज़हन में रखें कि चले ठीक है, वो लोग साथ जो देख रहे हैं, अब आजकल की खवातीन भी जो है वो बड़ी समझदार होगी, उनको पता तो ये कलर उठाया, हमारे पास भी ऐसा कलर पड़ा हुआ है, ये बेस्ट है कॉन्टोर के लिए कलर, देख लें। ठीक है, ठीक, सिंपल सा मैं लोकल सब चीजें कर रही हूँ ताकि ये इसका। अच्छा, आई एम गोइंग टू डू अ वेरी क्विक आई, लोगों के पास चीजें तो है लेकिन उनको कैसे इस्तेमाल करना है ये नहीं पता, तो एग्जैक्टली ये टेक्निक जो है वो अब यहाँ पे समझ लें। हल्का सा यहाँ पे माथे पे देते हैं, जरा सा डार्कर शेड, और ये अंदर लाइट होता है। और ज़ैनब आपने भी एग्जैक्टली कॉन्टोर कलर उठाया है उनकी आंखों में लगाने का, वैसे आई डू द सेम व्हाइल डूइंग माय सॉकेट। अदर साइड कैमरे को दिखाओ, आई एम जस्ट गोइंग टू लिफ्ट द आई, इधर देखो, ये सबसे अब जो है आंखों में आपको, तो आपको कोई आईशैडो समझ में ना आ रहा हो, जो आपको कॉन्टूर कलर हो उसी को बेस्ट है, मैं भी करती हूं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बेस्ट रहता है वो, लगा लो और उसके बाद कर लो क्विक वाला। चलिए, दोनों के कॉन्टूर करो क्योंकि ये अच्छे लगते हैं, जो अर्दी टोन्स की हम बात करें ना, उनमें ये टोन भी आ जाती है और जल्दी हो जाता है, आपको कहीं जाना भी ना, देर हो रही है शूट के लिए। अब ब्लश और मिन का हो गया वह है, उनकी आंखों पे आपने जो आपने हाईलाइटर भी निचल कर लगा दिया है। मैंने एक ही क्या कहते हैं जो ब्रॉन्जर है उससे मैंने इनके आई मेकअप भी कर दिया है, और एक ही हाईलाइटर मैंने आईज पे भी लगा दिया है, स्किन पे भी लगा दिया है। मुझे अब ये बताएं लिपस्टिक इनको कौन सी लगाएंगी ज़ैनब आप? आई एम गोइंग टू डू अ डार्क आउटलाइन एंड अ वेरी नेचुरल लिप, और आंखों पे मस्कारा। यस, मस्कारा और बहुत हल्का सा आईलाइनर। ठीक है जी। अच्छा, इनकी आंखों की इतनी मजे की शेप है ना आगे से। हाँ, यंग प्यार वो है ना। देखो, कभी कभार किसी के डार्क सर्कल्स ना छुपे, ट्रिप बता रही हूँ कि जो आपका कॉन्टोर होता है डल वाला, इससे भी और हल्का शेड हो तो यहाँ लगा लें, तो जब कलर आएगा तो नीचे से जो ब्लैक झलक रहा है ना वो बिल्कुल छुप जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि डार्क सर्कल्स हैं। ये तो कैसे मैं ऐसे ऐसी कर रही हूँ, ठीक है, आपको बता, देखे हाँ ठीक है, ये सब मजे का लगा, स्क्रीन से देखे, मैं स्क्रीन पे ज़रा मजा आ रहा है देख के, बिल्कुल लो हमारी ऑडियंस की तरह मजा आता कोई दूसरा मेकअप करता है ना। ओके, अच्छा आजकल वैसे ये जो विंग्स निकलते हैं ना, ये बहुत इन है, जिससे आंख लंबी लगती है, ये बहुत मजे के लगते हैं। ओके, वी हैव 2 more minutes. मेरे लिए तो नहीं है,
लाइनर भी इनको लग चुका हुआ है और आजकल वो पूरी आंखों वाला लाइनर मुझे वो इतना नहीं है अब ये क्या आपने थोड़ी लंबी और क्योंकि जो लैश पे लगती है तो आपकी कॉर्नर पे लैश लगती है वो इतनी अच्छी लगती है अच्छा है ना हमारे मॉडल में हल्की सी मुस्कुराते कुछ नहीं होता हाँ भाई असल में मुस्कुराते हैं आप इतने सीरियस हैं हमें लग रहा है कि जबरदस्ती महानुष मार के बेटा पढ़ती है ये तो देखो स्टूडेंट है मानन कह रहे तो करीना करीना आपका क्या नाम है सॉरी करीना तो बसंती तुम्हारा नाम क्या है करीना कौन सी क्लास कर दिया देखो जरा अच्छा डिप्लोमा कर रही है जबरदस्त जबरदस्त और अभी उनकी लिपस्टिक लग रही है वरना मैं भी उनसे पूछी आप क्या कर रही है फर्स्ट ईयर में ओहो अच्छा आई थिंक लिप्स से पहले बहुत जरूरी है कि आप हल्का सा लिप बाम करें गिव मी योर फिंगर लिप बाम लगाओ हाँ ताकि जो क्रैक लिप्स है ना उसके ऊपर आप लिपस्टिक लगाएं वो बहुत बुरा लगता है चले जी कहाँ चले कहीं कहीं नहीं चलना ये मेकअप करके आपने करीना का मेकअप ही करना है नहीं चलना है कहीं नहीं मेकअप छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते अभी मेकअप छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते हाँ एक जगह हम जा सकते हैं जिसकी हमें इजाजत भी है और वो बहुत ज़रा जरूरी भी है ठीक है उसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है और उसके बगैर मेरा दिल भी नहीं लगता मुझे कभी कभी लगता है मुझे इससे मोहब्बत हो गई है क्योंकि अगर मुझे इससे मोहब्बत ना हो और अगर मेरी जिंदगी में ना हो मेरे शो में ना हो तो मैं तो कैसे होगा हम सबके कैसे चलेंगी ये ब्रेक वो छोटी सी ब्रेक पे जाना है ब्रेक से वापस आते हमें हम आपको उनकी कंप्लीट लुक दिखाते हैं जेनू की मॉडल की डू नॉट गो एनीवेयर